प्रधानमंत्री के मुंह से कोई बात निकले उसके अपने मायने होते हैं। आज पूरे मुल्क में घूम घूम के गारंटी की बात करते हैं, ये मोदी की गारंटी है और यही शब्द काम लेते थे वो राजस्थान के अंदर भी, ये मोदी की गारंटी है। उसमें गारंटी ये भी थी पेट्रोल डीजल के दाम भी कम करेंगे, समीक्षा करेंगे चुनाव होते, क्योंकि राजस्थान के जो पड़ोसी राज्य हैं गुजरात अपना हरियाणा पंजाब तुलना करते थे। हम कहते थे कि मध्य प्रदेश के अंदर हमारे से ज़्यादा रेट थे, वहाँ पर वहाँ भी बीजेपी का शासन था, वहाँ पर उसकी बात नहीं करते थे वो, तब भी कहते नहीं हम समीक्षा करवाएंगे। अब मैं समझता हूँ 3 महीने हो गए अभी तक क्यों नहीं समीक्षा की गई, अभी तक कम क्यों नहीं किए गए दरें पेट्रोल डीजल की, जिस पे चुनाव जीत के आए हैं अब ये परवाह करनी छोड़ दी है। तो ये हमारा आरोप है, इसीलिए हम नैतिक समर्थन देते हैं इन पेट्रोल पंप वालों को कि सरकार को चाहिए कि अविलंब दरें कम करें। पहली सूची कब तक आएगी सर, लोकसभा प्रत्याशियों की काफ़ी इंतजार है। अब देखिए मीटिंग आज शाम को भी है शायद, उसके बाद में फिर उम्मीद करते हैं कि जल्दी आएगी। कांग्रेस ने नेताओं को सब कुछ दिया, बड़े नेता बनाया, केंद्र से लेकर राज्य में मंत्री बनाया, लेकिन कुछ नेता बीजेपी ज्वाइन कर गए कल बड़ी संख्या में। उसमें कल कह चुका हूँ, मेरे ट्वीट के अंदर एक्स के अंदर मैं कह चुका हूँ कि आज इस प्रकार गांधी परिवार सोनिया गांधी जी राहुल गांधी जी को चार चार दिन बुलाया था, ईडी वालों ने चार चार दिन बुलाया था, और उसके बाद में भी क्या क्या तरह तंग नहीं किया जा रहा है, आरोप लग रहे हैं उनके ऊपर, वो मुकाबला कर सकते हैं तो हम सब मुकाबला कर सकते हैं। डर के मारे भागने से क्या फ़ायदा, डर के मारे भाग रहे हो आप, हिम्मत करो, हिम्मत से मुकाबला करो। हमारी लड़ाई तो विचारधारा की लड़ाई है, हमारी तो पूरे देश के अंदर जो हालात बने हैं देश के अंदर वो बहुत ही गंभीर हालात हैं, बहुत डरावने हालात हैं, तनाव के हालात हैं। लोग कहने लगे चुनाव इस बार अगर जीत गए मोदी जी आगे चुनाव ही होंगे नहीं होंगे कोई नहीं कह सकता, ये स्थिति है। पब्लिक को समझना चाहिए हकीकत क्या है, मेरा मानना।